हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 6, कालिदास का प्राणी प्रेम। आज हम इस नाट्यांश का दूसरा भाग देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा वो थोड़ा रिवाइज कर ले। कालिदास का प्राणी प्रेम के लेखक है मोहन राकेश, जिनका जन्म सन 1925 में हुआ था। कालिदास का प्राणी प्रेम लेखक मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक अषाढ़ का एक दिन का एक छोटा सा अंश है। इन भाग में वे बाण से आहत हिरण के बच्चे की सेवा शुश्रुता और प्राण की रक्षा के रूप में कवि कालिदास की गहरी संवेदना और वन्य प्राणियों के प्रति उनका अगाध और प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त हुआ है। नाटक की शुरुआत कालिदास एक हिरण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। बाण से घायल हिरण का एक बच्चा कुलाचे भरता हुआ कवि कालिदास की गोद में समा गया था। उसके शरीर से खून टपक रहा था। कवि उसे बाहों में भर लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। कवि रास्ते में हिरण शावक को सांत्वना देते हुए उसे बताते हैं और बातें करते हैं। वे उसे कहते हैं, हम जिएंगे, एक बाण से घायल हो हम नहीं मर सकते, हम पीड़ा सह सकते हैं। उंगलियों का कोमल स्पर्श हमें प्राण दे सकता है। हमारे अंगों पर ध्रुत का लेप होगा। हम वनस्थली में घूमेंगे और दुर्वा खाएंगे। मल्लिका द्वार की ओर बढ़ती है तो घायल हरिण शावक को देखकर उसे ताज्जुब होता है। उसने कुछ समय पहले ही इधर से कुछ राज कर्मचारियों के घोड़ों को जाते हुए देखा। उसे शंका होती है, शायद उन्हीं में से किसी का यह दुष्कृत्य होगा। कालिदास हिरण शावक को पुचकारते और उसे सांत्वना देते हैं। वे उसे दूध पिलाते हैं। इसी समय राजपुरुष दंतुल घर में प्रवेश करते हैं। अब आगे का नाटक। कालिदास का संवाद। जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है। कालिदास दंतुल से कह रहे हैं कि जहाँ तक मुझे पता है हम लोग एक दूसरे से परिचित नहीं है। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कालिदास दंतुल से पूछ रहे हैं कि हम दोनों परिचित नहीं है तो मेरा घर तो तुम्हारे लिए अपरिचित ही हुआ, तो अपरिचित के घर में आने का साहस तुमने कैसे किया? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर तो दूसरी बार कालिदास की ओर देखता है। दंतुल का संवाद। कैसी आकस्मिक बात है, ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। उल्टा दंतुल ने कालिदास से कहा कि कैसी आकस्मिक बात है कि मुझे जो प्रश्न पूछना था वो तुम मुझे पूछ रहे हो। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहित हरिण को उठा के लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? दंतुल कालिदास से कह रहे हैं कि हमारा कभी का मतलब हम एक दूसरे के कभी पहले नहीं मिले हैं, हमारा कभी भी परिचय नहीं हुआ है, फिर भी मेरे बाण से घायल हुए हिरण को उठा लाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? दंतुल ये बता रहे हैं कालिदास को कि ये रक्त के जो बूंदे, मतलब हिरण शावक जो घायल हुआ था, उसके घायल होने से उसके शरीर में से रक्त की बूंदे, मतलब लोही के छींटे नीचे गिरे हुए थे। उन बिंदुओं के चिन्ह को देखकर मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा हूँ, वरना इन बादलों से घिरे दिनों में, मतलब वर्षा ऋतु चल रही थी, तो ऐसे कि जब सूर्यनारायण नहीं होते हैं तो थोड़ा अंधेरा सा लगता है,
इन दिनों में मैं तुम्हारे अनुसरण मतलब तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हें कैसे ढूंढ पाता। कालिदास का संवाद, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। कालिदास ने दंतुल से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस प्रदेश मतलब यहाँ के देश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। दंतुल का संवाद, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास का यह वाक्य सुनकर दंतुल को व्यंग्यात्मक हंसी आती है। वो व्यंग्य में हंसते हैं और कालिदास को कहते हैं कि मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ, मतलब कि तुम्हारी नज़रों की प्रशंसा करता हूँ कि मेरी वेशभूषा ही बता देती है, मेरी वेशभूषा ही परिचय दे देती है कि मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ। कालिदास का संवाद, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा हूँ। कालिदास ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल ने कहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? तो दंतुल ने कालिदास से क्या कहा? ललाट मतलब मस्तक या माथा। मेरे मस्तिष्क की रेखाओं को देखकर तुम ऐसा बोल रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर सामुद्रिक मतलब हस्तरेखा विद्या यानी कि ज्योतिष। दंतुल कालिदास को ये बोल रहे हैं कि चोरी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम ज्योतिष का भी अभ्यास करते हो। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आ जाती है। ऐसी बातें सुनकर मल्लिका को थोड़ा गुस्सा आता है, चोट खाई वो थोड़ी आगे आती है। मल्लिका ने कहा, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? मल्लिका ने दंतुल से कहा, ऐसा लांछन लगाने में आपको ज़रा भी लज्जा या शर्म नहीं होती है? दंतुल ने कहा, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हिरण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ हूँ, इसीलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो तो अच्छा है। दंतुल ने मल्लिका से माफ़ी मांगते हुए कहा कि यह हिरण शावक, ये जो हिरण का बच्चा है वो मेरे बाण से घायल हुआ है, तो यह मेरी संपत्ति है, आप इसे मुझे लौटा दीजिए। कालिदास ने कहा, इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। कालिदास ने कहा कि हमारे प्रदेश में मतलब हम जहाँ रहते हैं इस जगह पर हिरणों का आखेट मतलब उनका शिकार नहीं किया जाता। तुम बाहर से आए हो इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। कालिदास ने दंतुल से क्या कहा कि तुम बाहर से आए हो, कि तुम इस प्रदेश के नहीं हो, इसीलिए इतना ही काफ़ी है कि इसके लिए हम तुम्हें अपराधी न माने। दंतुल ने कहा, तो राजपुरुष के लिए अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? दंतुल ने कालिदास से क्या कहा कि इस अपराध का निर्णय अब गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो कि अपराध और न्याय किसे कहते हैं? कालिदास ने कहा, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। कालिदास ने भी उसको अच्छा उत्तर दिया कि शब्द और अर्थ राजपुरुषों की ही संपत्ति है, यह जानकर मुझे आश्चर्य होता है। दंतुल ने कहा, समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शाविक मुझे दे दो। दंतुल कालिदास से ये बोल रहे हैं कि आप मुझे बहुत ही समझदार जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों की पहुंच कहाँ तक होती है।
मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे हिरण का बच्चा हिरण शाविक दे दो। कालिदास ने कहा, यह हिरण शावक इस पावर्य भूमि में संपत्ति है। पावर्त्य भूमि मतलब कि पहाड़ी जमीन या पर्वतीय भूमि। इसी पावर्त्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ सजातीय का अर्थ है एक ही जाति वाले या एक ही तरह के जीव। कालिदास कह रहे हैं दंतुल से कि तुम यह सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथों में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर लेकर जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर रख दो। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर तल्प का अर्थ है शैया या अटारी और आस्तरण का अर्थ है बिछोना। कालिदास मल्लिका से कह रहे हैं कि हिरण शावक को एक शैया या बिछोने पर रख दो। उतने में अंबिका सहसा अंदर आती है। अंबिका का संवाद, इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं है। अंबिका क्या कह रही है कि तल्प मतलब शैया और आस्तरण मतलब बिछोना, कि इस घर के शैया और बिछोने हिरण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका का संवाद, तुम देख रही हो ना माँ। मल्लिका अपनी माँ को कह रही है कि माँ तुम देख रही हो ना। अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। अंबिका मल्लिका से कह रही है कि हाँ मैं देख रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ कि बिछोने और आसन मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास का संवाद, इसे मुझे दे दो मल्लिका। कालिदास ने मल्लिका से कहा कि हिरण शावक को मुझे दे दो। दूध का पात्र नीचे रख देता है और बढ़कर हिरण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। फिर कालिदास द्वार की ओर चल पड़ते हैं। कालिदास ने मल्लिका से कहा कि हिरण शावक को मुझे दे दो, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त है। मतलब मेरी बाहें इसके लिए बिछोने बराबर है, मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ। दंतुल का संवाद, और राजपुरुष, दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल ने क्या कहा, राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते रहेगा। कालिदास का संवाद, यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। कालिदास ने क्या कहा, वो आपकी इच्छा, बिना इसकी ओर देखे ड्यूटी से चला जाता है। कालिदास ने दंतुल की ओर देखा भी नहीं और दहलीज पार करके निकल गया। दंतुल का संवाद, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। दंतुल ने कहा कि राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या है, मुझे इसका परिचय देना आवश्यक है। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास ने क्या कहा, संभवतः। दंतुल ने कहा, संभवतः। कालिदास की ऐसी बात सुनकर दंतुल तलवार की मुठ पर हाथ रखे उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका ने दंतुल से कहा, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। मल्लिका ने दंतुल से क्या कहा, रुक जाओ राजपुरुष, हिरण शावक को ले जाने के लिए आप जिद मत करो, आपके लिए प्रश्न अधिकार का है, क्योंकि आप राजपुरुष हो तो मन में ठान लिया है कि ये मेरा ही शिकार है, लेकिन कालिदास के लिए ये संवेदना है, मतलब प्राणियों के प्रति उसकी भावना है, प्राणी प्रेम है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे।
मल्लिका ने दंतुल से क्या कहा कि कालिदास के पास एक भी शस्त्र नहीं है, फिर भी आपके शस्त्र को देखकर वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। दंतुल ने कहा, कालिदास तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हिरण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास है? दंतुल को पता नहीं था कि वो अब तक हिरण शावक के लिए जिसके साथ बातचीत कर रहे थे वो कवि कालिदास थे। तो उन्होंने मल्लिका से पूछा कि ये क्या कवि कालिदास है? मल्लिका ने कहा, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि ये कवि कालिदास है? मल्लिका ने सामने पूछा कि हाँ ये तो कवि कालिदास है, लेकिन आप कैसे जानते हो कवि कालिदास को? दंतुल ने कहा, कैसे जानता हूँ, उज्जैनी की राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। दंतुल ने मल्लिका को कवि कालिदास का परिचय दिया कि उज्जैनी की राज्यसभा में प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति, ऋतु संहार जो लिखा गया है कालिदास द्वारा, उसके कवि कालिदास को हर एक व्यक्ति उज्जैनी की राज्यसभा में उसको जानता है। मल्लिका का संवाद, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है, मल्लिका को आश्चर्य हुआ और उसने दंतुल से पूछा कि उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को जानता है? दंतुल ने कहा, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की। उसके जवाब में दंतुल ने कहा, उज्जैनी के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। दंतुल ने कहा, इसीलिए उज्जैनी के जो राज्य है वो ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहते हैं और उनको राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा, इसीलिए मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता उज्जैनी से यहाँ पर आया हूँ। मल्लिका सुनकर स्तब्धित हो रहती है। मल्लिका ये सब सुनकर एकदम स्तब्ध हो जाती है। मल्लिका ने कहा, उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन? उन्होंने दंतुल को सामने ऐसे प्रश्न में पूछा कि उज्जैनी का राज्य कवि कालिदास को सम्मान देना चाहता है और कवि राजकवि का आसन भी? दंतुल ने कहा, मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। दंतुल को बहुत ही अफसोस हुआ, दुख हुआ कि उन्होंने कवि कालिदास से ऐसे अशिष्टता, मतलब कि उज्जड़ता भरा व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। अब तक दंतुल को पता नहीं था कि वो जिनके साथ बात कर रहे थे वो कवि कालिदास थे, कि वो जिनकी शोध में यहाँ तक आ पहुँचे हैं। उनको बहुत ही दुख हुआ, उनको बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने कवि कालिदास के साथ ऐसा बहुत खराब वर्तन, बहुत खराब व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, ऐसा था कवि कालिदास का प्रेम कि जिसने दंतुल के शस्त्रों की चिंता किए बिना हिरण शाविक को किस तरह सांत्वना दी और उसे किस तरह अपने साथ लेकर उसकी सेवा की, हिरण शावक के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम व्यक्त किया और अपनी संवेदना दिखाई। आशा रखती हूँ कि कालिदास का प्राणी प्रेम आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।